सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू ट्यूटर स्टडी चैनल। तो आज हम बात करेंगे इस वीडियो में पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के बारे में। जी हाँ गाइज, पीपीटी के बारे में हम बात करेंगे कि हम कैसे इफेक्टिव पीपीटी बना सकते हैं, पीपीटी में कौन सा साइज रखना चाहिए एंड एक प्रोफेशनल पीपीटी कैसे होता है। सो लास्ट तक बने रहिए। सो चलते हैं हम अपने कंप्यूटर या लैपटॉप की स्क्रीन की ओर। यहाँ से हमको ओपन कर लेना है गाइस माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पावर पॉइंट को। जैसे कि देख पा रहे हो आप लोग, ओपन हो चुका है हमारा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पावर पॉइंट। देन यहाँ से हमको सबसे फर्स्टली पेज सेलेक्शन कर लेनी है। तो डिज़ाइन में जाके गाइस हमको जाना है पेज सेटअप में। देन पेज सेटअप में जाने के बाद ऑन स्क्रीन जो है 16:9 का जो है उसको रखना है, क्योंकि हमको चाहिए फुल स्क्रीन प्रेजेंटेशन के लिए। सो पेज सेलेक्शन होने के बाद हम यहाँ पे बात करेंगे थीम की। हमको पेज थीम जो भी अच्छा लगता है आपको, आप सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से पेज थीम जो भी रखना है, लाइक दैट 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 दैट। ओके, देन हम बात करेंगे अब इसमें राइटिंग की। राइटिंग की गाइस जो फर्स्ट वाली जो कॉलम होती है, इसमें हम हेडिंग को लिख देते हैं। हेडिंग जैसे हमको कोई भी टॉपिक का इंट्रोडक्शन के बारे में बात करना है, सो इंट्रोडक्शन हेडिंग। देन इसको हमको एक ही राइटिंग में फॉन्ट जो रहेगा पूरे पीपीटी में स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक सेम राइटिंग में होना चाहिए गाइस, एंड कलर भी सेम चूज करना, एक प्रोफेशनल पीपीटी होती है। ओके, जैसे आप हेडिंग जो है इसमें डाल रहे हैं तो पूरे हेडिंग इसी में रहेंगे, और अगर उसके अंदर का डिटेल जो है, अगर उसके अंदर का डिटेल हम लिखते हैं, ठीक है कुछ भी लिखो, इसके अंदर का डिटेल, इसको हमको ज़्यादातर लिखना है। हमेशा होता है जो हमारा प्रोफेशनल राइटिंग होती है ये होती है टाइम टाइम न्यू रोमन, इसमें लिखना है। ओके, सो फिर नेक्स्ट पेज, देन यही प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा। अब बात करते हैं यहाँ पे हमको फोटो एडिंग की। फोटो एडिंग इंसर्ट से कर सकते हैं गाइस, या तो फिर हम कहाँ से कर सकते हैं, डायरेक्ट यहाँ से हम फोटो को ऐड कर सकते हैं। सो यहाँ से हमको जो फोटो चाहिए आपको उसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। सो यहाँ पे हम ले लिए फोटो। देन हम बात करते हैं यहाँ पे आपको फोटो को जो है बैकग्राउंड में रखना है, देन राइटिंग को इसको फ्रंट रखना है। जैसे कि मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, ये रही गाइस मेरी राइटिंग। ये राइटिंग जो है ये फ्रंट में होना चाहिए एंड फोटो जो है वो बैकग्राउंड में होना चाहिए। तो इसको डायरेक्टली क्या करना है, सेंड टू बैक कर देते हैं। ये जो है आपका बैकग्राउंड में ये फोटो लग जाएगा। देन इसकी ब्राइटनेस की अगर आप बात करें, फोटो में कुछ एडिट की ज़रूरत है, जैसे ब्राइटनेस हो गई या कॉन्ट्रास्ट हो गई, इस सब के बारे में, तो यहाँ से आप कर सकते हैं डायरेक्ट ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट को अगर चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। ओके, और अब बात करते हैं गाइस आपको डायरेक्ट जो है इंटरनेट से फोटो लेनी है। ये तो आप लैपटॉप डिवाइस में जो सेव था वो फोटो हो गए। अगर आपको डायरेक्ट जो है इंटरनेट से फोटो लेनी है तो कैसे लेना है, हमको सबसे फर्स्ट ही चले जाना है इंसर्ट में। इंसर्ट में जाने के बाद क्लिप आर्ट में जाना है। क्लिप आर्ट में जाने के बाद देखो गाइस ये वाली जो है कॉलम आ जाएगा ऑटोमेटिक। इस कॉलम में क्या करना है, यहाँ पे जैसे ह्यूमन बॉडी का हमको फोटो चाहिए, तो देन इसमें क्या कर देना है, गो कर देना है। ओके, गो कर देना है। उसके बाद ऑटोमेटिक जो है रिजल्ट यहाँ पे आपको दिख जाएंगे, बहुत सारे फोटो दिख जाएंगे, उसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। अभी मैं नहीं दिखा सकता गाइस क्योंकि मेरे पास थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम है। देन आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है पूरे फोटोज आ जाएंगे, उसको एक क्लिक करना वो तुरंत क्या है पीपीटी में ट्रांसफर हो जाएगा। ओके, ये तो रही अब फोटो सेलेक्शन की बात। देन हम लास्ट करते हैं एनिमेशन में। गाइज जो है एनिमेशन की बात करते हैं, तो यहाँ से एनिमेशन हम सेलेक्ट कर लेंगे। एनिमेशन सेलेक्ट करने के बाद हमको जाना है कस्टम एनिमेशन में। कस्टम एनिमेशन में जाने के बाद हमको क्या करना है, ऐड इफेक्ट, एक इफेक्ट ऐड करना है। देन यहाँ से हमको मोर इफेक्ट भी मिल जाएंगे, इतने भी मिल जाएंगे यहाँ पे। सो यहाँ से हमको कोई भी सा हम जो चीज़ अपन को हम यूज़ कर सकते हैं, देख रहे हो गाइज, ठीक है। देन यहाँ से हमको एक फर्स्ट एनिमेशन लग गई। देन यहाँ से हम बात करते हैं सेकेंड एनिमेशन जो भी करना है आपको,
ओके, ऐसे टाइप से एनिमेशन आप सभी में कर सकते हैं, इवन यहाँ फोटो में भी आप एनिमेशन लगा सकते हैं। ये जो है इफेक्टिव, एक इफेक्टिव पीपीटी बनता है एनिमेशन से। एनिमेशन से एक अलग ही इफेक्ट आता है पीपीटी में, अट्रैक्शन जो है पीपीटी का एक एनिमेशन से ही बनता है। सो गाइस, बहुत ही स्पेशल है एनिमेशन, इसको अच्छे से करना आप लोग, जो भी आपको सूटेबल लगता है, ज़्यादा फंकी भी नहीं, एकदम सूटेबल वाली जो है आप लगा सकते हैं। ये देखिए, ऐसे कोई भी साफ एनिमेशन कर सकते हैं। नहीं, हम देख लेते हैं अब इसको स्टार्टिंग से, हमको ये देखते हैं गाइस इसको, ये फुल साइज डिस्प्ले, देन इंट्रोडक्शन एंड ये। ओके, थैंक यू।